हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज अपन देखेंगे एक और प्रॉब्लम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। इससे पहले इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक यानी ज्योमेट्रिकल एनालिटिकल कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता रखा है। उससे पहले मैंने इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की काफी प्रॉब्लम डिस्कस की हुई है, वो जरूर दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, वो आपकी हेल्प जरूर करेगी। तो आज अपन एक और अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज अपन दोस्तों पता करेंगे जेड प्लेन के अंदर एक सर्कल अपन को अगर बन रहा है, उस सर्कल का अगर अपन मैपिंग करें, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करें, अगर इनवर्स ट्रांसफॉर्म उसका करें डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन जेड रिलेशन को यूज करते हुए, तो डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या जनरेट होगा। दो ही केस हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन जनरेट होगी या सर्कल होगा। ये बेसिक मैंने बता रखा है सारा, इसका वो आप वीडियो में जरूर देखें। तो मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन सोल्व करूंगा, और इस क्वेश्चन को अपन देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के तीन चार तरीके, तो मैं वो तरीका यहाँ पे यूज कर रहा हूं जो अपन को क्विक एंड फास्ट रिजल्ट देगा। यानी अपन वो कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी यहाँ पे अपन इस सर्कल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से सॉल्व करेंगे, जो आप गेट के एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर लगा। ये शॉर्ट ट्रिक आपको विद इन आई थिंक बहुत कम समय में आंसर दे सकती है। तो देखिए ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे कैसे लगेगी, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है अपन को, क्या दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड माइनस थ्री आयोटा इक्वल टू थ्री। तो सर्कल की जो बेसिक इक्वेशन जो होती है, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर क्या होती है दोस्तों, होती है जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर। उसको क्या बोला जाता है, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, जहां पे जेड नॉट का मतलब होता है सेंटर, आर का मतलब होता है रेडियस। कॉम्प्लेक्स फंक्शन में सर्कल को ऐसा लिखा जाता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन में सर्कल की एक्सपोनेंशियल फॉर्म अपन लिखे वो काफी हेल्पफुल होती है। उससे अगर अपन क्वेश्चन को सोल्व करें, पोलर कोऑर्डिनेट का अगर अपन यूज करें, तो अपन काफी समय एग्जाम में बचा सकते हैं। देखो कैसे, तो सर्कल की एक्सपोनेंशियल फॉर्म फ्रेंड्स क्या होती है, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। दोस्तों ये सर्कल की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि गेट के एग्जाम में या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज कीजिए, जो सर्कल के लिए अप्लाई होती है, यह आपको मतलब प्रॉब्लम को आसान भी बना देती है। तो यहां से जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जेड की वैल्यू मिल जाएगी जेड नॉट प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो गिवन सर्कल के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड नॉट यानी सेंटर है थ्री आयोटा प्लस रेडियस है थ्री ई की पावर आयोटा थीटा। तो इसका मतलब जेड इक्वल टू क्या है, थ्री कॉमन ले लिया, आयोटा प्लस ई की पावर आयोटा थीटा। अब मैं क्या करूंगा, इसी जेड की वैल्यू को गिवन रिलेशन के अंदर रखूंगा, ठीक है, तो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। गिवन रिलेशन क्या है, इनवर्स ट्रांसफॉर्म डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन जेड दे रखा है, ठीक है। तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, यू वी प्लेन के अंदर, और जेड की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, जो अपन ने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो सर्कल की होती है उसका यूज करके निकाल ली है, और यही आपको यूज करनी है। तो ये वैल्यू दोस्तों अगर यहां पर डालेंगे तो क्या मिलेगा, वन अपॉन थ्री कॉमन आ गया, जेड की वैल्यू डाल दी, आयोटा प्लस ई की पावर आयोटा थीटा। इस थ्री को अगर अपन यहां भेज दें तो अपने पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा थ्री टाइम्स यू प्लस थ्री टाइम्स आयोटा वी इक्वल टू क्या मिलेगा, वन अपॉन आयोटा प्लस ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यहां से सेपरेट कीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा रियल पार्ट है, आयोटा कॉमन ले लिया, वन प्लस साइन थीटा इमेजिनरी पार्ट है। यहां पर अपन करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जो पार्ट होता है कभी भी नीचे नहीं रहता आयोटा, तो उसको रेशनलाइज करना ही पड़ता है। तो रेशनलाइज करने के लिए उल्टे साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो देखिए क्या आएगा, वन अपॉन कॉस थीटा प्लस आयोटा वन प्लस साइन थीटा ये है। तो इसके उल्टे साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा माइनस आयोटा वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस आयोटा वन प्लस साइन थीटा। तो अपने पास क्या आएगा, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर के कारण हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस आयोटा वन प्लस साइन थीटा। और अब अगर अपन इस स्क्वायर को अगर खोले नीचे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस वन, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ एडजस्ट होके वन बन जाएगा, एक वन यहां से ऑलरेडी मिलेगा, तो टू हो जाएगा,
और 2 साइन थीटा मिलेगा, यानी हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा। तो ये अपने पास ओवरऑल क्या हो गया, अपने पास ओवरऑल दोस्तों हो गया क्या हो गया, ओवरऑल ओवरऑल अपने पास हो गया 3u प्लस 3 आयोटा v किसके बराबर हुआ, वो हुआ cos थीटा माइनस आयोटा ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या हुआ, नीचे 2 कॉमन आ गया और 1 प्लस साइन थीटा बन गया। ये मैं बता देता हूं किसी को समझ में नहीं आए तो, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, यहां से cos स्क्वायर थीटा है और एक 1 ऑलरेडी है तो 2 हो जाएगा और 2 साइन थीटा वहां पे, तो 2 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा। अब दोनों साइड कंपेयर कीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो आप ये पाएंगे कि जब आप रियल पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं 3u को cos थीटा अपॉन इस वाले पार्ट को cos थीटा अपॉन 2 1 प्लस साइन थीटा रियल पार्ट कहलाएगा, अगर 3u को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो कोई सॉल्यूशन आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो u की जो वैल्यू है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में आएगी, ठीक है, यानी एंगल्स की टर्म में आएगी, तो अपने पास कोई भी यहां पे प्रोजेक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इमेजरी पार्ट को कंपेयर करें 3v को, तो अपन को पता चलता है कि इसको जब मैं कंपेयर करूंगा तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा और अपने पास मिल जाएगा माइनस का हाफ, ठीक है, तो अपने पास ओवरऑल क्या हो जाएगा 3 to the 6, यानी 6v प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्या आ गई, एक लाइन आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन क्या होगा, v इज इक्वल टू माइनस 1/6, किसका प्रोजेक्शन है, सर्कल का, किसका, जो सर्कल था जेड प्लेन में जिसका सेंटर था 0.3 और रेडियस थी 3, उसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू 1 अपॉन z वाले इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसका करें तो अपने पास क्रॉसकॉन्डिंग w प्लेन के अंदर क्या आया, अपने पास एक लाइन आई v इज इक्वल टू माइनस 1/6। यहाँ पे दो सॉल्यूशन थे लेकिन अपन ने सॉल्यूशन वही यहाँ पे रिकमेंड किया है जो ट्रांसफॉर्मेशन देगा, ये सॉल्यूशन अपन को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देगा, 3u इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 2 1 प्लस sin थीटा। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व एग्जाम के अंदर करें, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो जब कभी भी सर्कल की प्रॉब्लम हो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तो उसको आप कार्टेशियन से सॉल्व करोगे तो काफी समय लगेगा। ये क्वेश्चन कार्टेशियन से भी सॉल्व हो सकता है अगर आप यहाँ जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करके स्क्वायरिंग वगैरह करके, अगर आप मैग्नीट्यूड हटा के स्क्वायरिंग करके एक्स और वाई की इक्वेशन सर्कल की लेके आ जाओ और वहां से सेंटर वगैरह पता करो तो काफी समय लगेगा, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप यूज कीजिए एग्जाम के अंदर, जितना हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज कीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, इसके अलावा मैंने काफी वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बनाया है, वो प्लीज दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।